मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने, सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे, इतना सम्मान दे रहे थे, उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास, हमारा विकास कहाँ है, किसे क्या कहें हम। हमारा तो एक टूटा फूटा घर था, कई बार डीडीए वाले आ चुके, तुम्हें मारा पीटा, बाहर निकाला और घर तोड़ दिया। मुन्ना कुरैशी को भी अंदर बंद कर दिया, वकील हसन को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी, इन तीनों चारों को ले जाकर थाने में बंद कर दिए और सारा प्लॉट हमारा। ये मेरी नंद बैठी है बड़ी, ये अंदर बैठी हुई थी, अंदर बैठने के बाद भी उन्होंने सारा तोड़ कर सामान, कुछ टूटा हमारा अंदर ही कुछ बाहर, बच्चों के रिजल्ट तक भी नहीं हम निकाल पाए, बच्चों के रिजल्ट भी हमारे अंदर ही सब उसमें ही रह गए। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या सरकार हमें बताएगी कि हम कहाँ जाएंगे। उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की प्रचंड नयनकारी, प्रचंड भ्रष्टाचारी सरकार के प्रचंड नयनकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपसे मेरा एक सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा। ये बताइए कि आप कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन का कोई तो ड्राइवर होगा या गाड़ी यूं ही चल रही है, क्यों? क्योंकि आप भी कहते हैं कि मोदी जी ने इतने लोगों को घर दिए, कहाँ है वो घर, आज नजर नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि 12 नवंबर 2023 को सिलक्यारा टनल, जो मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट चारधाम ऑल वेदर रूट प्रोजेक्ट का हिस्सा, उस टनल में भूधसा हुआ, 41 मजदूर फंस गए और 17 दिन तक फंसे रहे, जब तक रैट और माइनस वो भी 12 आकर उनको बाहर ना निकाल पाए। आपने ऑगर मशीन विदेशों से मंगवाई, आपने तो एक्सपर्ट भी न्यूजीलैंड से मंगवा लिया, एसडीआरएफ एनडीआरएफ सेना कोई भी उनको बाहर नहीं निकाल पा रही थी, तब इन 12 रैट होल माइनर्स ने इनको बाहर निकाला। लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ये बात कहते हैं कि सबको घर दिया, इतनों को घर दिया, अब ये बताइए आपने तो इनका कितना अपमान किया, 50,000 रुपए का आपने इनको चेक पकड़ाया था और अपमानित किया, जिन्होंने देश की साख को बचाया, नहीं तो पूरी दुनिया में कितनी होती बदनामी। और वो जो कंपनी है ना, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, नवयुगा कंपनी थी। अब ये बताइए आप कि डबल इंजन की सरकार है, तो मोदी जी को बोल नहीं सकते कि भाई इन लोगों को घर दे दो, बजाय इसके कि इनको आप घर दिलवाओ, आप तो इनका अतिक्रमण में इनका घर आ रहा है, वो घर का ध्वस्तीकरण हो रहा, आप बैठे हुए चुप, आपको शर्म नहीं आई, आप मुख्यमंत्री है, आपके राज्य की साख बचाई इन्होंने, अरे एक एनजीओ ने इनको 50,000 रुपए दे दिए, एक टीवी चैनल ने इनको 1,00,000 रुपए दे दिए, हमारी सरकार से ज्यादा दे दिया, अरे कुछ तो शर्म करिए मुख्यमंत्री जी, कम से कम और कुछ नहीं तो 10,00,000 रुपए हमारे इन रैट होल माइनस को दे दीजिए, 12 ही तो है, इतना इतनी बड़ी कोई अमाउंट तो है नहीं है, मगर आप शायद कर नहीं सकते क्योंकि आप डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन के ड्राइवर को बोल नहीं सकते, जो वो कहते हैं कि इतने लोगों को घर दिया, केवल ये बोलते हैं तो बकबक करने से काम नहीं चलता। आप बताइए कि इन लोगों को 10,00,000 रुपए और साथ में